एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग सब ठीक ठाक हैं, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ बिल्कुल। तो मैंने सोचा कि आज का दिन भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो एला एज यूजुअल अपनी शरारतों में लगी हुई है कि अब उसको बाहर जाना है शॉप पे कुछ चीज़ें लेने के लिए। उस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई हुई कि मुझे कोई जल्दी से लेकर जो है वो बूट्स पहन रही है कि मैं जाती हूँ शॉप पे, मगर उससे हुआ नहीं जा रहा था। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही है, मेरी कोई हेल्प करे। तो फिर जो उसको हमने पहना दिया, हमने कहा तुम प्लीज़ शोर मत करो, हम तुम्हें पहना देते हैं। ओके, सो आज का जो है वो काफी स्पेशल है, क्योंकि इस तरह से कि आज जो है मेरी कजन जो कि मेरी जितनी है, हम लोग बचपन से एक साथ रहे, एक ही घर में रहे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़ा, हमने सब कुछ एक साथ किया है। तो आज उसकी जो है फाइनली डेट फिक्स हो रही है शादी के लिए, क्योंकि एंगेजमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी थी और अब जो है उसकी डेट फिक्स होगी। फिर हम लोग जो है उसके बाद अब से 2 महीने के बाद उसकी शादी होगी। सो इसी उसके लिए मैं बहुत ज्यादा सुपर एक्साइटेड हूँ। और मैंने अपने ये वाले कपड़े निकाल लिए, क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जो डेट फिक्स होती है, जिसको बात पक्की कहा जाता है, तो बात पक्की जो है वो घर वालों के ही दरमियान होती है। आई मीन जो आपके घर के जेंट्स होते हैं, मर्द होते हैं, मर्द जो हजरात होते हैं उनके दरमियान में होती है। और जो लेडीज़ होती हैं वो इतना आप चाहें तो उन्हें बुला सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी बुला सकते। तो बस यहाँ पे ये था कि हमारी भी इसी तरह से बात पक्की है कि जो हमारे घर के अंकल्स हैं, मेरे पापा क्योंकि वो बड़े हैं, तो उसके बाद उनके बाकी के माशाल्लाह से 4 भाई हैं, तो उन सब के साथ जो है उन सबको बुला के एकदम जो एक जगह पे बैठ के वहाँ पे दुआ करते हैं और डेट को फाइनल करते हैं कि हमने ये वाली डेट जो है फाइनलाइज कर दी है शादी के लिए। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली मैं और मेरी सारी कज़न्स हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही एक मज़ेदार जो है ये इवेंट आने वाला है, जिसका हम काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। तो अब यहाँ पे हमने बहुत खूब इन्जॉय करना है। और मैंने यहाँ पे अपना मेकअप भी कर लिया है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। ये वाले कपड़े निकाले हैं क्योंकि अभी कोई इतना फैंसी पहनने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने बस ये कैजुअली एक निकाला ड्रेस के यही पहन लेती हूँ, क्योंकि फैंसी जो है वो अगर तभी होता कि सारी लेडीज़ भी आ रही हों या फिर हम कोई ढोल की या इस टाइप का कुछ रखते, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट जो है सब अंकल्स थे, उसके बाद आंटीज भी थी, उसके बाद हमने बस जो एक वो एक घर में ही जो होता है ना गेट टुगेदर छोटा सा वो रखा है, और फिर उस पर दुआ कर लेते हैं डेट फिक्स हो जाने के बाद। और उसके बाद जो है फिर जब शादी होगी तो ऑब्वियसली उसकी तो बहुत ज़्यादा तैयारियाँ होंगी। फिर उसके बाद जो है जो जो तैयारियाँ होंगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आई एम श्योर कि अब से जो व्लॉग्स होंगे ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाले होंगे, और फिर मैं शादी का भी व्लॉग आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, क्योंकि तब भी बहुत ज़्यादा सर्दी होगी और हमने कराची में नहीं करनी है शादी, उसके लिए हमें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ेगा, जहाँ पे जो मेरी कज़न है जो शादी करके वो वहाँ चली जाएगी। तो फिर वो सारे फंक्शंस हमारे वहीं पर ही होंगे, और फिर जो ट्रैवलिंग होगी जो सब कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा बस मैंने मेकअप कर लिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपनी लुक शेयर कर लेती हूँ। और बस फिर हम लोग ऊपर आ गए तो मेरी कज़न के घर पर, तो वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था जो टी पार्टी होती है, जस्ट टी पार्टी थी, मिठाई थी जो कि सब में डिस्ट्रीब्यूट कर ली थी। और एला तो मिठाइयों को देख कर ना बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि यार इतनी सारी मिठाई और मैं सारी खाऊंगी। तो मैंने कहा प्लीज स्टॉप इट, तुमने नहीं खानी है। मामा ने भी एला को बोला कि नहीं तुमने नहीं खानी है, क्योंकि बच्चे हैं ये लोग देख लेते हैं फिर इनको रियलाइज बाद में होता है फिर। और फिर हमारी चाय भी बन रही थी, तो हमारी चाय भी आ गई है। तो यहाँ पे हमारा काफी एक एक्साइटिंग डे रहा है। आई एम श्योर कि आप लोग को ये बहुत पसंद आएगा। मैंने छोटा रिकॉर्ड किया, बाकी की फिर जो चीज़ें होंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।